आज के दिन का बड़ा मुकाबला सुपरस्टार्स टकरा रहे हैं इस वक्त सुपरस्टार्स के खिलाफ, और पाकिस्तान यहाँ पर मैरू मरी सजावल लेफ्टी और जनाब उमर भाई शेख उबर आ चुके हैं बाबर कटर मैरू मरी का मुकाबला करने के लिए। ऐज लगा इस वक्त दूर गिरा है खुरम चकवाल से और ऐज के साथ स्टार्ट हुआ है और इस एक रन के साथ आएंगे उमर भाई शेखोपुरा। भाई करते हैं एक एक बार शेयर, दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया और डेट्स लाइक इट सर बुलेट बॉल पहुंची है इस वक्त खुरम चकवाल के महफूज हाथों में, दो बॉल ऊपर में ऐज एक वंस अगेन फरहाद दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया और इसको खेला इस वक्त और बॉल को पहुंचाया मिड विकेट के ऊपर, फील्डर तैनात है शहबाज गोल्ला, एक रन का इजाफा होगा, इसे एक रन के इजाफे के साथ आ चुके हैं बल्लेबाजी को जोर दिखाने के लिए तो वो ना करेंगे। उमर भाई शेखोपुरा दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया और इसको खेला इस वक्त और बॉल जाएगी चार रन के लिए, डेट्स लाइक अ ट्रेसर बॉलेट और बॉल पहुंची पलक झपकते ही एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री से बाहर, चौका लगाने में कामयाब। कमेंट फिर जरूर जरूर कमेंट आते हैं, कुछ बात पढ़ना पड़ता है। दानिश खान भाई साहब, मोहम्मद जुबैर भाई साहब, माय गॉडनेस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम सजावल रियाज और बॉल पहुंची है लॉन्ग ऑन की बाउंड्री से बाहर, बाबर कटर यहां पर छक्के के बाद छक्के के साथ आगाज करते हुए फॉक्स रावलपिंडी, बाबर कटर अपने बॉलिंग के निशान पे राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया और एक बार गिरफ्तार बॉल, फील्डर मौजूद नहीं है, चार रन जरूर मिलेंगे, दो बॉलों पर 10 स्कोर बना चुके हैं इस वक्त और कर चुके हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर इस वक्त मौजूद है सजावल रियाज के पास, स्टोर वन और बॉल को पहुंचाया इस वक्त लॉन्ग ऑन की बाउंड्री से बाहर, एक बुलंद बॉल और फलक चका चक्का इस वक्त पहुंचा है लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से बाहर, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा सजा आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और जोसेफ उल्टास एंड कैच आउट हो गए उमर भाई शेखोपुरा, एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुए बाबर कटर, अच्छा कमबैक फखर गैल सुपरस्टार ऑफ गैल सुपरस्टार ऑफ मरी बाबर कटर की जान, धीरे धीरे आए तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया क्लीन बॉल कर दिया इस वक्त सगीर पठान को, पहली बॉल पे क्लीन बॉल करके वापस भेजा है सगीर पठान, एक बड़ा विकेट यहां पर लेने में कामयाब हुए, व्हाट अ बॉलर यू आर बाबर कटर इस वक्त, अच्छा कमबैक से दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया एक बार गिरफ्तार बॉल और इसको खेला है और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉल गई है कवर की बाउंड्री से बाहर, एक और चौका लगाने में कामयाब हुए सजावल रियाज, आज लगता ही है कि वंस अगेन एम्पायर को क्रॉस किया माय गॉडनेस इसको पुल किया है और बॉल को पहुंचाया छक्के के लिए, एक ऊंचा लंबा और फलक शगाफ छक्का सजावल रियाज के बल्ले से निकलता हुआ, यहां पर सजावल रियाज बेहतरीन इनिंग, फरहाद अब्दाली अपने बॉलिंग के निशान से हियर वी गो दौड़ना शुरू किया तेज हुए एम्पायर को क्रॉस किया पैट पे लगा, एक रन जरूर लगेगा और एक ही पर एक दफा करेंगे सजावल रियाज, ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया माय गॉडनेस दैट्स अ ह्यूज हिट सरमत बजरू मैच समाशाही का किरदार अदा करेंगे, एक ऊंचा और फलक शगाफ छक्का सजावल रियाज ने पहली बॉल में दे मैरू दौड़ना शुरू किया तेज हुए और इसको खेला है चार रन मिलेंगे, बॉल गई इस वक्त बिल्कुल कटमैन एरिया से बाहर, 10 रन बना चुके हैं इस वक्त, अंपायर को क्रॉस किया बैट्स पे लगा और इस वक्त मैरू मरी भाग रहे हैं लेकिन पुनम चकवाल भागते हुए जाएंगे, दो रन मुकम्मल होंगे और दो ही पर इक्तफा करेंगे इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर का मजमा पहुंचा है 61 पर, चार ओवर के इख्तिताम पर 61 स्कोर हो चुका है, चार ओवर के इख्तिताम पर दौड़ना शुरू किया तेज हुए स्विंग से अच्छा बॉल चावेज की जानिब से, करम चकवाल इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं पहले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया तेज हुए और इसी के साथ ही यहाँ पर चाचा चीनी की जानिब से थ्रो वापस फेंका गया था, सजावल रियाज को वापस बुलाया जाएगा और अब सजावल रियाज आउट हो गए,
सजावल रियाज आउट हो गए, सजावल रियाज शाविज दौड़ना शुरू किया, आए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, इट्स अ नो बॉल, वेवर डिलीवरी, और इसी के साथ ही यहां पर एक रन भी मुकम्मल हुआ, 69 स्कोर हो चुका है, 69। हाँ भाई उषा इस वक्त आ चुके हैं, आसिफ जरदारी अपने बॉल दौड़ना शुरू किया, आए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, है बड़ा वे, दैट्स अ ह्यूज हिट, ओवर फाइन लेग, और छक्के के साथ यहाँ पर इख्तिताम किया राशिद लेफ्टी ने, और इसके साथ ही यहाँ पर चौका हुआ है, और हमें उषा एंड कंपनी यहाँ पर एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुई है, 78 टू विन, और इस वक्त जहीर कालिया बॉलिंग करवाएंगे और कुरम चकवाल यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। रिजल्ट ठीक हो जाएगा सर, जो ही सिग्नल आएंगे रिजल्ट ठीक हो जाएगा। जहीर कालिया आए, एम्पायर को क्रॉस किया, ओ माय गॉडनेस, यहाँ पर छक्का हो गया है या क्या है, छक्का हो गया है। वंस अगेन उस्ताद उके उस्ताद जहीर कालिया वर्सेस किंग ऑफ एशिया कुरम चकवाल, एक और उड़ता हुआ शॉट आउट हो सकते हैं कुरम चकवाल, और इस बार होगा चार रन मिलेंगे, दो बालू पर 10 रन यहाँ पर मिले हैं। सही राय अंपायर को क्रॉस किया, यहाँ पर एज लगा है और बड़ी अच्छी फील्डिंग कासिम की जानिब से, और एक रन जरूर लगेगा, और इसी के साथ 12 स्कोर इनाम ओवर द विकेट, अदील कैसर अब्बास इस टीम के स्पॉन्सर हैं। आय अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल इस वक्त पैड पे लगी, 65 बाकी है इस वक्त, 65 बाकी है इस वक्त, 20 बॉल ऊपर और अति बाकी, राशिद एम्पायर को क्रॉस किया, है बड़ा वे, दैट्स अ ह्यूज हिट फ्रॉम कुरम चकवाल, और बॉल पहुंची है डीप मिड विकेट बॉडी के बाहर, ऐसे के साथ 59 टू गो इन 19 बॉल, 59 शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल, बॉल थोड़ा सा लो रहा, और इसी के साथ ही 18 बॉल ऊपर, 59 बाकी, राशिद लेफ्टी, अच्छा खान माजिद साबा सरदार हसैन और स्पीड गन कादिर कश्मीर के साथ, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की उड़ता हुआ शॉट, सजावल रियाज बॉल के नीचे और कैच ड्रॉप किया इस वक्त शहबाज गोंडा का, और इसी के साथ ही 17 बॉलों पे 56 बाकी, थैंक यू वेरी मच 17, राशिद लेफ्टी आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल, चौका हो सकता है नहीं, शाम शाह अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन फील्डिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टफ, और इसी के साथ 16 बालों पर 51 स्कोर बाकी, 16 बालों पे 51 स्कोर बाकी है, शहबाज गोल्डा 16 बाल 51 स्कोर, आए अंपायर को क्रॉस किया, उड़ता हुआ शॉट इस वक्त सजावल रियाज वंस अगेन, एंड दिस टाइम टेकन वेरी इजीली, बिग विकेट इज गॉन, शहबाज गोल्डा आउट होने के बाद 15 बाल 51 स्कोर, जहीर कालिया हियर वी गो, आए अंपायर को क्रॉस किया, माई गॉडनेस दैट इज ह्यूज एंड दैट इज बिगी फ्रॉम मानी बालको, और बाल पहुंची नौगांव की बॉडी से बाहर, 45 स्कोर बाकी है 14 बालों पर, 14 बाले 45 स्कोर, थैंक यू जेबी, थैंक यू रकीब साहब, आप तमाम भाइयों की मोहब्बतों का शुक्रिया, राजा खलील केटवाल साहब आपका शुक्रिया, जहीर कालिया आए अंपायर को क्रॉस किया, यहाँ पर बीट हुए, और इसी के साथ 13 बालों पर एम्पायर को क्रॉस किया, जूसी फुल टॉस, इसको डिपॉजिट किया है मिड विकेट बॉडी से बाहर, एक ऊंचा और फलक शगाब छक्का कुरम चकवाल के बल्ले से निकलता हुआ, और इस वक्त स्कोर बाकी है 36 को 3-0 थी तैयार है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ बॉलिंग किसकी होगी, अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल, 10 बालों पे 35 स्कोर, 10 बालों पे 35 स्कोर, बड़ान वर्सेस कुरम चकवाल बॉलर, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की स्विंग एंड मिस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और यहाँ पर 9 बालों पे 35 स्कोर बाकी,
वंस अगेन जानी आए अंपायर को क्रॉस किया। ओ माय गॉडनेस, केसी इज अ क्लासिकल प्लेयर और शॉट को पहुंचाया एक्स्ट्रा कवर की बॉडी से बाहर। कुलम चकवाल के बल्ले से निकला फलक शगाब छक्का रन्स। जानी आए अंपायर को क्रॉस किया और इसको खेला है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर, फील्डर पर बॉलिंग कर रहे हैं और इसी के साथ 6 पे 26 चाहिए, 6 बालों पे 26 स्कोर। माय गॉडनेस 6 बालें 26। खुरम चकवाल सामना करेंगे जानी बडान का, वाइटल बॉल, हियर वी गो। ओ माय गॉडनेस 5 बालों पे 5 छक्के चाहिए, 5 बालों पे 5 छक्के चाहिए इस वक्त खुरम चकवाल। इस वक्त 303 बिल्कुल तैयार, 5 पे 26 आए अंपायर को क्रॉस किया। ओह माय गॉड ना सारी मानी यू ब्यूटी, मैच में जान बाकी, 4 बालों पे 4 छक्के, 4 बालों पे 3 छक्के और 2 वाइट हो जाते हैं तो फिर भी मामला बराबर हो सकता है। 4 आए तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया और इसी के साथ ही यहां पर 19 बाकी है 3 बालों पर, 3 बालों पे 3 छक्के, 3 बालों पे 3 छक्के, 3 बालों पे 3 छक्के चाहिए। देखते हैं कि जंग कौन जीतता है। वंस अगेन हाय अंपायर को क्रॉस किया, ओ माय गॉडनेस कैच हो सकते हैं नहीं और खुरम चकवाल कैच आउट हो गए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और इसी के साथ ही मैच खत्म हो गया है। खुरम चकवाल फ्लाइट पीके 303 के तहत शरबत मजनू पहुंचने का इंतजार और इसको खेला है और इसी के साथ मैच खत्म हो गया।